नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के गन्ना किसानों के बारे में। गन्ना किसानों की बदहाल हो रही स्थिति को अब सुधारने की पहल की जा रही है, जिसकी शुरुआत बिहार में भी होने वाली है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी पेश की गई है। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार ने मौजूदा पेराई सत्र 2020-21 में गन्ना उद्योग विभाग की प्रधान सचिव एन विजयलक्ष्मी, इनखायुक्त और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में गन्ना मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। गन्ना मूल्य में वृद्धि पर यह सहमति बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक में हुई है। एसोसिएशन के सचिव नरेश भट्ट ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि जिस 5 रुपए की वृद्धि की गई है वो 5 रुपए शुगर मिल संचालक देंगे, जबकि 2 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में सरकार सीधे किसानों के खाते में भेजने का काम करेगी, जिसका आश्वासन गन्ना मंत्री ने दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ही राज्य सरकार ने गन्ना मूल्यों में वृद्धि करने का फैसला लिया है, मगर शुगर मिल संचालकों की मांग थोड़ी अलग है। शुगर मिल के संचालकों ने कोरोना का हवाला देते हुए राज्य सरकार से अनुदान की मांग उठाने की बात कही थी, लेकिन सामान्य और उत्तम प्रजातियों के गन्ना मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव की माने तो पेराई सत्र 2019-20 में सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य मिल द्वार पर 290 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसको अब बढ़ाकर 295 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तम प्रजाति के गन्ने के दाम में भी वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत को 310 से बढ़ाकर 315 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गन्ने की निम्न कोटि के प्रभेद के लिए मिल द्वार पर रेट 272 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हालांकि पेराई सत्र 2019-20 की तरह वाह क्रय केंद्रों पर खरीदे गए गन्ना प्रभेदों पर ऊपर बताया गया है मूल्यों से 20 रुपए प्रति क्विंटल कम रहने वाला है। इसके साथ ही चीनी मिलों को वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 के लिए मिलों द्वारा कुल गन्ना खरीद पर देय क्षेत्रीय विकास परिषद के कमीशन की दर 0.20% किया जाएगा। इतना ही नहीं, गन्ना किसानों के आय में वृद्धि करने के ऐलान के बाद किसानों से अधिक खेती करने का अनुरोध भी किया गया है। हालांकि बिहार के किसान गन्ने की खरीदारी नहीं होने के कारण लगातार परेशान नजर आते हैं। इसके साथ ही कई जिलों में तो मापतौल केंद्र नहीं होने के कारण भी बिहार के गन्ना किसानों की परेशानी का सबब बना हुआ है। मिल और बिचौलिए के घालमेल ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार के सीतामढ़ी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे इलाकों में गन्ना किसानों की हालत बदहाल देखी गई है। चीनी मिल बंद होने के कारण किसानों की परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रीगा चीनी मिल बंद होने के कारण कई करोड़ का गन्ना यूं ही खेतों में पड़ा रह जाता है। पिछले 4 दशक से बंद हो रहे मिल ने किसानों को 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल करवा दिया है। हालांकि अब जो खबर सामने आई है, इसके बाद अब परेशानी ये बढ़ गई है कि सरकार ने रकम तो बढ़ा दी है, लेकिन मिल ही नहीं बचेंगे तो इससे किसानों को कितना फायदा होगा। किसान परिवारों के लिए आय दोगुनी करने की घोषणा का कोई मतलब नहीं है। किसान गन्ने की खेती कर खुशहाल रहते थे, उन्हें गन्ने की खेती से नकद पैसे मिल जाते थे, जिससे परिवार चलाना आसान था। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार के गन्ना किसानों को सरकार अपनी तरफ से काफी सहूलियत देगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से गन्ना किसानों के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।